हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको जूट का एक ट्रे बनाना बताएंगे। तो मटेरियल उसके लिए पहले हमें चाहिए 5 इंच की रिंग और ये कुछ जूट। पहले हमें 2 मीटर के एक जूट को कट कर लेना है, फिर उसको हाफ में फोल्ड करके रिंग के ऊपर पीछे से डालेंगे। पीछे से इसको करके आगे जूट को निकाल लेंगे इसके लूप में से। और ये हमारा एक नॉट तैयार हो जाएगा। ऐसे हम सेकंड नॉट भी लगा लेंगे। इसको अच्छी तरह से फिक्स करके फिर हम यहाँ पे एक नॉट बनाएंगे, जो हमारा बेसिक नॉट होता है। बीच में सेंटर में 2 कॉर्ड को रखेंगे और साइड वाले कॉर्ड को दूसरी वाली कॉर्ड पर ले जाके एक लूप बनाएंगे पीछे से। और एक बार इसको टाइट कर लेंगे। अब हम लेफ्ट साइड से भी ऐसे बनाएंगे। पहले राइट हैंड पे ले जाके लूप बना के इसको आगे से सेकंड जो 2 कॉर्ड है उनके पीछे से निकाल लेंगे। और फिर हम यहाँ पे दोनों को टाइट कर देंगे और ये हमारा एक नॉट तैयार हो जाएगा। ये हमारा एक डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। अब हम फिर से एक जूट रोप लेंगे, उसको फिर से पहले वाले डिज़ाइन बनाएंगे, दोनों को फोल्ड करके पीछे से लूप बना के रिंग से निकाल लेंगे और फिर हम इसको टाइट कर देंगे। ऐसे हमें 3 नॉट बनाने हैं, जिसके लिए हमें 6 कॉर्ड चाहिए। अब हम इस सेकंड वाले में भी बेसिक नॉट लगाएंगे जैसे हमने फर्स्ट वाले में लगाई थी। 2 कॉर्ड को बीच में छोड़ेंगे और लेफ्ट वाले से ले जाके राइट हैंड से बनाएंगे। पहले हम राइट हैंड से इस पर नॉट बना रहे हैं। अब इसको हम टाइट कर लेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से फिर डिज़ाइन बनाएंगे, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाके लूप बना के जो 2 कॉर्ड है उनके पीछे से हम निकाल लेंगे। और फिर हम इसको टाइट कर देंगे। ये हमारा एक नॉट बन जाएगा। ये हमारा एक नॉट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थर्ड वाला पे भी ऐसे एक डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद हम एक स्पाइरल वाला डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए हमें राइट हैंड साइड वाली कॉर्ड से इस पर डिज़ाइन बनाना है, लेफ्ट साइड से ले जाके और ये 2 कॉर्ड जो है उनके पीछे से निकाल के डिज़ाइन बनाना है। इस डिज़ाइन में हमें सिर्फ राइट हैंड साइड का ही यूज़ करना है। हमने फिर से इसी हैंड से इस पर फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। और ये हमारा सेकंड वाला डिज़ाइन है। इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। ऐसे ही हम इस पे 6 टाइम ये डिज़ाइन को बनाएंगे। ये हमने 6 टाइम इस पर बना लिया है। अब हम सेकंड वाले कॉर्ड पे भी बनाएंगे 5 टाइम सेम स्पाइरल वाला डिज़ाइन। राइट हैंड से बनाना है इस पर भी। ये हम अपना पहला वाला कॉर्ड नॉट बना रहे हैं पहले इस पर स्पाइरल का। अब हम सेकंड टाइम फिर से बनाएंगे।
ये हमने सब पे बना लिए हैं, और जो थर्ड वाली कॉर्ड है उस पे हमने फोर टाइम बनाया है इस पे। अब हम इन दोनों को जॉइंट करेंगे एक साथ, जिसके लिए हमें दोनों कॉर्डों की लास्ट वाली दो अलग अलग एक एक कॉर्ड चाहिए, और बाकी सारी कॉर्डों को हम बीच में रखेंगे। और ये राइट हैंड साइड से जो कॉर्ड है लास्ट वाली, उसको हम लूप बना के पीछे से निकाल लेंगे। और फिर हम इसको टाइट कर देंगे। अब ये टाइट होने के बाद हम फिर से इसी साइड से एक बार और नॉट लगाएंगे राइट हैंड से, जिससे इसमें भी स्पाइरल वाला डिज़ाइन आए। और फिर इसको टाइट कर देंगे। फिर एक बार और हम ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे। अब हमने थ्री टाइम इसमें नॉट लगाई थी, अब हम ये लास्ट वाली जो कॉर्ड बची है उस पर भी नॉट लगाएंगे राइट हैंड साइड से ही टू टाइम, जिससे कि ये तीनों जॉइंट हो जाए आपस में ही। ये हमने फर्स्ट नॉट लगा लिया इस पर, और इसको टाइट कर देंगे। इसको करने के बाद हम एक बार और इसको नॉट लगा के सिक्योर कर लेंगे। अब हम ऐसे एक और यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे फिर से कॉर्ड ली है दो दो मीटर की, और इनको रिंग पे फिर से अटैच करेंगे हम, जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था। ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हमने फर्स्ट वाले डिज़ाइन में बनाया था। इसमें भी हमें सिक्स कॉर्ड चाहिए। अब हम सबको अटैच कर लेते हैं पहले यहाँ पर। अभी हमने यहाँ पे फोर अटैच किया है। अब हम इसमें फिर से वही वाला डिज़ाइन बनाएंगे बेसिक नॉट, दो कॉर्डों को बीच में छोड़ के और दो किनारे छोड़ के ये डिज़ाइन बना रहे हैं हम पहले राइट हैंड साइड से। अब हमको फिर से यहाँ पे तीन स्पाइरल कॉर्ड बनानी है जैसे हमने फर्स्ट वाले में बनाई थी। अब हम यहाँ पे फिर से थर्ड डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हमने दो बनाए हैं। इसमें भी हमें सिक्स कॉर्ड चाहिए। पहले हम इसमें बेसिक नॉट लगाएंगे और फिर इनको स्पाइरल कॉर्ड बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे बेसिक नॉट बना रहे हैं जैसे हमने दोनों में बनाया था, और ये हमारी स्पाइरल कॉर्ड बन गई हैं। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे सेम प्रोसेस राइट हैंड साइड से। हम इस पर भी इसको ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन हो गया। अब हम यहाँ पे एक बार फिर से नॉट बनाएंगे।
अब हमने यहाँ पे फोर नॉट बनाई है, 1 2 3 4। अब हम ये इसको लास्ट वाली को भी इसमें ज्वाइन करेंगे। अब सबसे लास्ट वाली को भी हम इसमें ज्वाइन करेंगे, सेम प्रोसेस। सारे कॉर्डों को बीच में लेके लास्ट की एक एक कॉर्ड को हम ले लेंगे दोनों साइड से, और इस पे राइट हैंड साइड से बनाएंगे डिज़ाइन। और फिर हम इसको टाइट कर देंगे। अब हम इसमें 3 टाइम इसमें नॉट लगाएंगे जैसे हमने लगाया था राइट हैंड साइड से। अभी हमने हमारे तीनों डिज़ाइन यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब हम इन सबको ज्वाइन करेंगे। पहले मैं इन दोनों को ले रही हूँ, इनको भी ज्वाइन करने के लिए हम सारे कॉर्डों को बीच में रखेंगे और लास्ट में एक एक कॉर्ड ले लेंगे। और फिर हम राइट हैंड साइड से इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। हमें इस पर टोटल 4 नॉट लगानी है, उसके बाद हम ये थर्ड वाले लास्ट को भी इसमें ज्वाइन करेंगे। अब हम इस पर थर्ड वाले जो डिज़ाइन बनाया था उसको भी अब हम इसमें ज्वाइन करेंगे। सेम प्रोसेस, सब सारे कॉर्डों को बीच में लेके दो कॉर्डों को साइड से लेंगे और इस पर राइट हैंड साइड से डिज़ाइन बनाएंगे। अब हमको रिंग की हाइट तक इसमें स्पाइरल नॉट बना के लाने हैं, और फिर सारे कॉर्डों को हम रिंग के पीछे ले जाएंगे। अब हमने सारे कॉर्डों को पीछे कर लिया। अब हम यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे। पहले हम एक कॉर्ड लेंगे और उसको रिंग के ऊपर से ले जाके एक लूप बना के उसमें टाइट कर लेंगे। ऐसे हमें 2 टाइम करना है एक कॉर्ड से। अब हमें सारे कॉर्डों को ऐसे इस पे अटैच कर देना है।
हमने यहाँ पे सारे कॉर्डों को पाइपिंग कर लिया है यहाँ पे। अब हम इसको अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग कट करेंगे। ये हमारा ट्री बनके रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।